अस्सलामुअलैकुम दी गुड विराग चैनल में खुश आमदी तमाम दोस्तों और भाइयों को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो जो भी मेरा भाई मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। मैं हूँ मलिक कासिम और आप देख रहे हैं दी गुड विराग चैनल यूट्यूब। तो आज हम बात करने लगे हैं गुलाब के फूल के पौधे के हवाले से। अक्सर लोग कहते हैं कि दोस्तों अगर आप चाहें कि आपका गार्डन बहुत खूबसूरत बन जाए तो आप गुलाब का पौधा लगाएं और उसकी केयर करना भी बहुत आसान तरीके से है। वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप कलमे लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं कि किस तरह आप कलमे जो है वो बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी मेरे भाई दोस्त का जो है पौधा वो ग्रोथ नहीं कर रहा, फूल ज़्यादा नहीं ले रहा, तो उसकी वजह यह है कि आप उसकी केयर नहीं कर रहे सही तरह से। तो आप किसी चाकू वगैरह से उसकी जो है पत्तियां ऊपर से काट दिया करें कुछ इस तरीके से। तो इंशाल्लाह आपका पौधा जो है तकरीबन एक महीने के बाद सही तरीके से फूल जो है वो लेना शुरू हो जाएगा। तो फूल भी ज़्यादा मकदार में देगा आपको। तो दोस्तों हम यहाँ से कलम लेते हैं एक, ये हमने यहाँ से कलम ले ली है और आप चलते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा है तो आप उसकी मदद से जड़ें जो इसकी हैं वो जल्दी उगा सकते हैं तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर। तो आइए वो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह उगा सकते हैं। आप कुछ इस तरीके से यहाँ से काट देंगे और यहाँ से काट दिया है तो गुलाब की जो कलम है वो यहाँ से यहाँ पे लगा दी है। तो तकरीबन 15 दिन के बाद इसकी जड़ें जो हैं वो जल्दी उगाएंगी। तो आप फिर इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं कहीं भी आप लगा सकते हैं दूसरी जगह। अगर आप गमले में लगाना चाहें तो वहाँ भी आप लगा सकते हैं, किसी गार्डन में लगाना चाहें तो वहाँ भी लगा सकते हैं। और जो इसमें घास है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस वक्त मेरा भी घास जो है इस पौधों के अंदर ज़्यादा हो गया और इसको मैं अब ख़त्म कर दूँगा। तो इंशाल्लाह आपका पौधा जो है वो जल्दी फूल लेना शुरू हो जाएगा और ज़्यादा मकदार में फूल देगा आप। तो मज़ीद मालूमात लेने के लिए आप अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।